दोस्तों आपकी स्क्रीन में या फिर आपके मोबाइल पे जो मोबाइल देख रहे हैं ये Redmi का 6 Pro मॉडल है। दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं ये चार्जिंग में जब भी लगाता हूँ एम्पियर मीटर शॉर्टिंग दिखा रहा है या फिर ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है, तो इसका मतलब मोबाइल जब चार्जिंग में डालते हैं ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जा रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये एम्पियर मीटर थोड़ा सा एम्पियर लेने के बाद ऑटोमेटिक लाइट बंद हो जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे Redmi 6 Pro में जो कि चार्जिंग लगाने से ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे Redmi 6 Pro। जैसे कि देख रहे हैं आपके स्क्रीन में ये Redmi जो कि Xiaomi कंपनी का Redmi 6 Pro मॉडल है और इसमें क्या प्रॉब्लम आया है, जैसे कि हेडिंग में आपको बताया ये चार्जिंग में जब लगाते हैं इसको ये मोबाइल शॉर्ट दिखा रहा है, ऑटोमेटिक चार्जिंग बंद हो जा रहा है। सब्सक्राइब करें TechSriranjh चैनल और साथ में बेल बटन को दबाएं लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, TechSriranjh में आप सभी को फिर से स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हेडिंग में मैंने दिखा रहा था चार्जिंग लगाने के बाद ये चार्जर जो है या फिर मैंने एम्पियर मीटर में चेक कर रहा था एम्पियर मीटर भी बंद हो जा रहा था, तो इसका मतलब है चार्जिंग जब भी सप्लाई इसमें डालते हैं इनपुट करते हैं तो चार्जर शॉर्टिंग हो जा रहा है और शॉर्ट होकर मोबाइल तो चार्ज नहीं हो रहा है, उसके बाद चार्जर भी ख़राब होने का ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों ये मोबाइल में प्रॉब्लम आया है, चार्जिंग जब लगाते हैं चार्जर स्विच ऑफ हो जा रहा है, इसका मतलब मोबाइल चार्जिंग सेक्शन में कुछ शॉर्टिंग है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो खोल के हम लोग जरूर फाइंड आउट करेंगे, ये प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में एंड तक बने रहें, ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे आज Redmi 6 Pro में जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम आया है इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो दोस्तों ये चार्जिंग सेक्शन में खोल दिया हूँ जो कि चार्जिंग फ्लैक्स से चार्जिंग बोर्ड कह सकते हैं। ये चार्जिंग बोर्ड देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ ही दिन पहले पानी में गिर गया था जो कि कस्टमर का कहना है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं किस टाइप का दिख रहा है चार्जिंग कनेक्टर, जो कि मोबाइल में ऐसा दिख रहा है या फिर कैमरे में ऐसा दिख रहा है तो सामने कैसा दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग ठीक करेंगे Redmi 6 Pro मोबाइल में जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो चार्जिंग का फ्लेक्स लगा हुआ है ये भी किस टाइप का दिख रहा है, पूरा कचरा हो गया है, ख़राब हो गया है, इसका मतलब इसी के कारण से ये चार्जिंग शॉर्टिंग दिखा रहा होगा। तो दोस्तों ये हम लोग फ्लेक्स को चेंज करेंगे और इसमें आगे भी क्या प्रॉब्लम है और क्या उसके आगे प्रॉब्लम आ सकता है इसको आगे हम लोग फाइंड आउट करके ज़रूर दिखाऊँगा। दोस्तों ये वीडियो में हम लोग ठीक कर रहे हैं Redmi 6 Pro जो कि शॉर्टिंग प्रॉब्लम आया था, जो कि चार्जिंग लगा देने के बाद ये चार्जर शॉर्ट हो जा रहा था, चार्जर कोई कोई ख़राब भी हो गया है। दोस्तों ज़्यादा टाइम शॉर्ट होकर चार्जर अगर रहेगा लगा के रख देंगे तो चार्जर ख़राब हो जाएगा। ठीक ऐसा ही चार्जिंग जो चार्जर है चार्जिंग लगाने के बाद कस्टमर ने भी 2-3 चार्जर से लगा के चेक कर रहा था या फिर मोबाइल ख़राब है बोल के वो नहीं सोचा था बिल्कुल भी, चार्जर ख़राब है बोल के 2-3 ठो चार्जर ट्राई किया था, उसके बाद सब चार्जर ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार्जिंग फ्लेक्स जो कि चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा मदरबोर्ड से चार्जिंग फ्लेक्स में आता है ये पत्ता लगा हुआ है, ये फ्लेक्स पूरा डैमेज हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं पूरा डैमेज होके पूरा शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसके कारण से ये चार्जिंग बोर्ड में या फिर हमारे जो चार्जिंग लगाने के बाद ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे सबसे पहले बैटरी को और बैटरी को देखेंगे बैटरी क्या मदरबोर्ड में भी शॉर्टिंग आया है या फिर ये मदरबोर्ड ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बैटरी को चेक कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैं मीटर को ले आया हूँ, यहाँ पे बैटरी सप्लाई कितना है, बैटरी का पावर कितना है, यहाँ पे हम लोग चेक करके ज़रूर ट्रेस कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और कन्फर्म भी हो जाएंगे कि हमारा बैटरी भी तो ख़राब नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 3.7 वोल्ट दिखा रहा है, 3.6 वोल्ट, 3.7 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब ये बैटरी सही है अभी तक, लेकिन इसमें चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों मोबाइल जो है ये शॉर्ट होने के बाद चार्जिंग डाउन हो गया है, ये तो हमको पता ही है, जब भी मोबाइल शॉर्ट हो जाता है तो मोबाइल का बैटरी जो चार्जिंग ड्रेन हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग फ्लेक्स को लगाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कस्टमर का कहना है दोस्तों कुछ दिन पहले पानी में गिरा हुआ था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मैं मोबाइल को पूरा बोर्ड को खोल दिया हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी या फिर मॉइस्चर लगा हुआ है और ज़्यादा कुछ पानी का इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन नीचे साइड में चार्जिंग पोर्शन में जो पानी घुसा हुआ था उसके चलते मोबाइल में जो चार्जिंग फ्लैश था वहाँ पर शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो दोस्तों बोर्ड को यहाँ पे हम लोग फिटिंग कर देते हैं मोबाइल का हाउसिंग में और देखते हैं कि और भी कुछ शॉर्टिंग दिखा रहा है या फिर और कुछ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले दोस्तों मोबाइल का जो मदरबोर्ड है यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कर लेता हूँ और मैं देसी जुगाड़ करके एक मीटर बनाया हूँ और उसमें चार्जिंग का सप्लाई भी डाल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। जो शॉर्टिंग है शॉर्ट किलर भी काम करता है, ये सब काम चीज एक ही डिवाइस में होता है। दोस्तों इसका वीडियो मैं बना दिया हूँ और कुछ ही दिन पहले या फिर कुछ ही दिन बाद छोड़ूंगा इसको, क्योंकि दोस्तों इसका पूरा वॉइस नहीं कवर किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार्जिंग तो ले रहा है, एम्पियर भी ले रहा है, मतलब इसका मदरबोर्ड जो है ये बिल्कुल ही सही है। ये इसका प्रॉब्लम जो है चार्जिंग का फ्लैक्स और चार्जिंग का नीचे जो बोर्ड लगा है वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो कि चार्जिंग बोर्ड से मदरबोर्ड में आता है वहाँ पे मैं कनेक्टर दे के सप्लाई दे के टेस्ट करूँगा जो कि चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार्जिंग जो पॉइंट आउट है यहाँ पे सप्लाई टेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टिंग दिखाया क्योंकि दोस्तों मैं इसको उल्टा पकड़ लिया था, इसलिए दोस्तों ये शॉर्टिंग दिखा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अब ये एम्पियर ले लेगा और चार्जिंग भी होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हूँ एक हाथ में चिमटी पकड़ा हूँ जो कि सप्लाई इसमें डाल रहा हूँ, तो इसीलिए दोस्तों नहीं दिखा पा रहा हूँ। जब भी फ्लेक्स लगाऊंगा या फिर चार्जिंग सप्लाई डालूंगा इसमें तो यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों गौर करें यहाँ एम्पियर मीटर पर 0.41 एम्पियर ले रहा है और 5.2 वोल्ट इनपुट जा रहा है। इसका मतलब ये चार्जिंग सप्लाई जा रहा है अंदर, लेकिन हमारा जो मोबाइल का मदरबोर्ड है ये बिल्कुल ही सही है। इसका प्रॉब्लम आया था दोस्तों चार्जिंग का नीचे वाला जो बोर्ड लगा हुआ है चार्जिंग बोर्ड में और इसका फ्लेक्स में। तो दोस्तों ये वीडियो में हम लोग ठीक कर रहे हैं रेडमी 6 प्रो मोबाइल में जो शॉर्टिंग प्रॉब्लम आया था ये बिल्कुल ही काम करने लगेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम आया था शॉर्टिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं चार्जिंग फ्लेक्स को लगा के टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पे सप्लाई डालता हूँ दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम लोग सप्लाई डालेंगे लेकिन यहाँ पे भी शॉर्ट दिखाने लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहाँ पे सीधा हम लोग फ्लेक्स एक ठो ला के यहाँ पे चेंज करके ज़रूर ट्राई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लेक्स को ले आया हूँ और यहाँ पे आपको आपके सामने ही दिखाऊंगा इसको फिटिंग करके। जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम आया था दोस्तों सबसे पहले हेडिंग में दिखाया आपको चार्जिंग लगाने के बाद ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, तो यहाँ पे फ्लेक्स हम अभी यहाँ पे लगा देंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे कि चार्जिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, क्या और भी कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं चार्जिंग बोर्ड को भी लगा दिया हूँ और चार्जिंग फ्लेक्स को भी लगा दिया हूँ, बैटरी लगा के यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करेंगे हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। चार्जिंग लगाने से पहले दोस्तों कंफर्म हो जाएं यहाँ पे बोर्ड शॉर्टिंग तो नहीं है और चार्जिंग बोर्ड भी शॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे नया वाला फ्लेक्स और नया वाला चार्जिंग बोर्ड लगा दिया हूँ और मल्टीमीटर भी ले आया हूँ। यहाँ पे चार्जिंग इनपुट दे के मोबाइल पे हम लोग वोल्टेज सप्लाई को टेस्ट करेंगे कितना वोल्टेज मदरबोर्ड में पहुँच रहा है, क्या और भी प्रॉब्लम निकल सकता है या फिर हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो जा सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल को मैं पूरा तरीके से फिटिंग कर दिया हूँ और यहाँ पे कंटिन्यूटी भी चेक करूँगा हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हुआ या फिर नहीं हुआ। यहाँ पे दोस्तों बैटरी कनेक्टर में हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, ये शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग टेस्ट करेंगे अभी चार्जिंग सप्लाई इनपुट करके जो मोबाइल में इनपुट डाल के और यहाँ पे एम्पियर मीटर में भी टेस्ट कर सकते हैं। आप भी कोशिश करें दोस्तों एम्पियर मीटर बनाने की
और एम्पियर मीटर एक रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों शॉर्टिंग प्रॉब्लम या फिर और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो एम्पियर मीटर में हमेशा पता चल जाता है। दोस्तों ये एम्पियर मीटर बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, मैं वीडियो एक बना लिया हूँ और कुछ ही दिन के बाद ही ये वीडियो आ जाएगा आपके पास। बिल्कुल ही सिंपल ट्रिक्स है दोस्तों, 250-300 रुपया अमेजोन में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों मैं चार्जिंग कनेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों चार्जिंग इनपुट डाल दिया हूँ और यहाँ पे मीटर थोड़ा साइड हो जा रहा है। यहाँ पे एम्पियर भी ले लिया है, इसका मतलब चार्जिंग हमारा होने लगा है दोस्तों, हमारा प्रॉब्लम जो था सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मीटर को थोड़ा चार्जिंग जो एम्पियर मीटर है यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग कर रहा हूँ, गिर जा रहा है, क्योंकि दोस्तों ये स्टैंड वाला नहीं है जो कि हैंडमेड है और खुद ही मैं देसी जुगाड़ करके बनाया हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3.25 वोल्टेज हमारा बैटरी कनेक्टर पे जो आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग कनेक्टर में वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये प्रॉब्लम जो था सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं 3.28 ऐसा कुछ वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, इसका मतलब चार्जिंग हमारी जो बैटरी का है ये बढ़ते जा रहा है। तो कुछ ही देर तक हम लोग लगा के हम लोग टेस्ट करेंगे क्या इसमें चार्जिंग बढ़ रहा है और हमारा जो मोबाइल था ये ऑन होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों 8:32 हुआ है मेरा दूसरा मोबाइल में, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आधा घंटा के आसपास मोबाइल हो गया है चार्जिंग और यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारा जो चार्जिंग हो गया है। यहाँ पे दोस्तों आपको टाइम भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 8:53 हो गया है, इसका मतलब 31 मिनट के आसपास ये चार्जिंग लग चुका है। और ये मोबाइल पे हम लोग टेस्ट करेंगे कितना वोल्टेज आ गया है या फिर कितना चार्जिंग हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये 9% के आसपास हो गया है चार्जिंग, इसका मतलब ये मोबाइल जो था इसका प्रॉब्लम सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं Redmi 6 Pro में, जो कि हेडिंग में दिखाया था आपको, चार्जिंग लगाने के बाद ये शॉर्टिंग दिखा रहा था, चार्जिंग शॉर्ट हो जा रहा था, चार्जर भी शॉर्ट हो जा रहा था। तो दोस्तों ये मोबाइल हमारा जो था ये कम्प्लीटली सक्सेसफुल काम हो गया है और हमारा जो प्रॉब्लम था ये सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं और 1% बढ़ गया है, यहाँ पे 10% शो कर रहा है, इसका मतलब ये प्रॉब्लम सही हो गया है। यहाँ पे दोस्तों चार्जिंग तो हो गया और यहाँ पे पैटर्न लॉक लगा है, हमको जो प्रॉब्लम के लिए दिया था कस्टमर ने, हम लोग तो ठीक कर दिए हैं, पैटर्न को हमको छेड़खानी नहीं करना है और हमको मोबाइल बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ देना है चार्जिंग में डाल के। तो इसको फिटिंग करके हम लोग कस्टमर को हैंडओवर कर देंगे और उसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। दोस्तों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक करें, हमारे चैनल में नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।